लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। गाइज, अगर आप इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी की इस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए, और आप चाहें तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले देखिए, हमारे नया इनिशिएटिव है रिपोर्ट एंड विन। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ कोई भी कंटेंट, किसी भी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया कोई भी कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप रिपोर्ट करिए। और अगर आप सही रिपोर्ट करते हैं तो आपको उसके लिए काफ़ी सारे अमेजॉन वाउचर्स एंड अदर अदर टाइप के थिंग्स जो हैं वो हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे एज ए गिफ्ट वाउचर। इसके अलावा देखिए, हमारा जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है ये अब बस ख़त्म होने की कगार पे है। 23rd of June जो है इसकी लास्ट डेट है, तो जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करिए। एंड ये 2 ईयर आइकॉनिक एंड अबोव सब्सक्रिप्शन के लिए ही अप्लीकेबल है, तो समय बहुत कम है और फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सर्व यहाँ पे वाला है। उस तरीके से यहाँ पे मेंटर्स अपॉइंट होते हैं। अभी देखिए, हमारा महा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, और वो आपका जो है वो बहुत ही कम समय तक के लिए है, जिसमें आप 25% प्लस 10% का डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं। अगर आप GS प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आइकॉनिक GS प्लस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए 35% के आसपास का डिस्काउंट मिलता है। 1 ईयर का जो कॉस्ट है, 2 ईयर का जो कॉस्ट है, 3 ईयर का जो कॉस्ट है, इसमें MPS कोड आप जैसे ही यूज़ करेंगे, आप देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका जो प्राइस है वो डाउन हो जाएगा। सेम गोज़ विथ आइकॉनिक GS प्लस ऑप्शनल। और अगर आपके पास बजट का इशू है तो कोई बात नहीं, हमने लोन की भी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है। जिस दिन IAS बनोगे आप इस लोन को आराम से चुका सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ ही साथ देखिए, आपको जो है 20 बुक्स क्रिएटेड बाय बेस्ट UPSC एक्सपर्ट्स जो 10,000 रुपये तक की होती है, वो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन, और उसके साथ जितने भी और टाइप के सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसमें 1 ईयर मिनिमम है, उसके ऊपर का जितना भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उन सभी के साथ जो है आपको फ्री में ये चीज़ मिलेगी। इसके अलावा आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन में देखिए लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, वीकली टेस्ट दे सकते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। वहीं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यू विल गेट पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस। ये पर्सनल गाइडेंस का जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो है टीचर से 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। आप डाउट अपने पूछ सकते हैं, आप समय समय पर उनसे क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। 6 मंथ का जो कोर्स, ये देखिए सिंपल प्लस सब्सक्रिप्शन है, ये सिंपल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, बट आपको जो है अभी जब महा ऑफर चल रहा है तो सीधे आप प्लस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक प्लस ऑप्शनल के लिए जाना चाहिए। बट अगर आप प्लस एंड आइकॉनिक भी लेते हैं तो यहाँ भी आप MPS कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। करते हैं भारत और 23rd of June से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। फ्री टेस्ट सीरीज भी हम आपको देते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आपको करना क्या है, वहाँ भी जाना है आपको, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, MPS कोड यूज करना है, एंड यू विल गेट एक्सेस टू आर फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है। प्लस हमारी कॉम्बैट करके प्रतियोगिता जो है एवरी संडे 11 AM पे होती है, यहाँ भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट MPS कोड डाल के, और अगर आप इसमें जीतते हैं तो आपको काफ़ी कुछ अच्छा हमारी तरफ से पेपर का है, मैनेजिंग एंड अपहेवल। ये क्या आर्टिकल है, ये देखो मामला ये है कि अभी हमारे देश में देखो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात हो रही है। व्हाट इज़ दिस यूनिवर्सल वैक्सीनेशन? यूनिवर्सल वैक्सीनेशन मतलब अभी कह रहे हैं ना कि 18 से ऊपर जितने भी हैं सभी लोग वैक्सीन करा सकते हैं। तो राइटर ने जो है ये एनालिसिस करने की कोशिश करी है कि क्या ये मई 1 से संभव है। तो राइटर बोलते हैं नहीं, इसको कम से कम अगस्त तक लगेगा जब ये चीज़ संभव हो पाएगी, क्योंकि अभी ना उस लेवल पर वैक्सीन प्रोडक्शन हुआ है, ना उस तरीके का मैनेजमेंट बन चुका है कि भैया चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाएं, चैनलाइज हो जाएं। और राइटर यहाँ पे ये भी कहते हैं कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन आपको स्टार्टिंग से करना चाहिए था, ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने भी जो कोविड है उसको थोड़ा सा लाइटली ले लिया इन बिटवीन पीरियड, जब केसेस ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें ध्यान रखनी है कि भाई मई 1 से अगर आप लोगों के आसपास अवेलेबल हो तो वैक्सीनेट होते रहिए, और अपने घर वालों को वैक्सीनेट कराइए। 3 लाख के आसपास केसेस निकले कोविड के आज सुबह काउंटिंग में, और ये एक अपने आप में सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है और बहुत दर्दनाक आंकड़ा है। और अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करिए अच्छे से, बस ठीक है। चलिए, अब ये कल के कुछ एडिटोरियल्स थे जो रह गए थे तो वो भी देख लेते हैं। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिकल क्या कहने की कोशिश कर रहा था ये अपन देखते हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एग्जांपल सोचो तो ठीक है। बिल्कुल सही सोचा आपने, एलेक्सा है ना, अमेजॉन वाली, सीरी, एप्पल वाले, गूगल में है, गूगल ही हम बोल देते हैं है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं।
आज की डेट में देखो जो किड्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों ने, मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब 7th क्लास में था पहली बार स्क्रीन टच फोन टच किया था। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मतलब जैसे ही थोड़े से समझदार होते हैं 1 साल 2 साल, वो मोबाइल में वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब चलाना सीख जाते हैं, यूट्यूब पे उनके अपने टाइप के क्रिएटर्स उन्होंने पसंद कर रखे हैं तो उनके वीडियोस देखने लग जाते हैं। तो इससे काफ़ी कुछ सीख तो रहे ही हैं, लेकिन काफ़ी कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान देखो बहुत कुछ ये कि भाई गलत चीज़ें सीखने को भी है इंटरनेट पे। जहाँ इंटरनेट पे अच्छी चीज़ें सीखने को है, वहाँ पे इंटरनेट गलत चीज़ भी सिखाता है। अगर यूनिसेफ की मानी जाए तो एक समस्या राइटर जो है वो उठाते हैं, वही उठाते हैं कि भैया इसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। वर्ल्ड में करीबन 2/3 लोग जो हैं, 2/3 बच्चे जो हैं, उनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। मतलब आप डिजिटल डिवाइड देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ बच्चों के पास तो है और कुछ के पास तो कुछ एक्सेसिबल ही नहीं है। इसके अलावा देखो राइटर जो एक मेन पॉइंट उठाते हैं वो ये उठाते हैं कि देखो जब बच्चा छोटा होता है उस समय उसके सीखने की उम्र होती है, और उस समय वो आपका यूट्यूब और जितने भी इस टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या इंटरनेट पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करता है, और हर प्लेटफॉर्म का अपना देखो बोट होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है कि भाई जो जिस चीज़ से देखना चाहता है उसको वही दिखाते हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी देखो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वही उनके सीखने की उम्र होती है जिसमें वो एक विचार बनाएंगे, एक पर्सपेक्टिव अपना क्रिएट करेंगे, पर उनको इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके फेक न्यूज़ दिखाई जाती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दिखाई जाती है, हाइप दिखाई जाती है, हबरिस ऑनलाइन बुलिंग दिखाई जाती है, हेट स्पीचेस दिखाई जाती है। इससे क्या होता है कि उस बच्चे का जो माइंड है वो उस तरफ इंक्लाइनेशन बढ़ता है, उस तरफ डाइवर्ट होता है, और इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि वो जो है वो बायस सोच के साथ बड़ा हो जाता है। देखो जो एज होती है बचपन में, उसमें आपके पास क्या क्या पर्सपेक्टिव्स क्रिएट होते हैं, प्रेफरेंसेस, बिलीव्स, कस्टम्स, है ना, एम्पैथी, गुडविल, ये सारी चीज़ें आप बचपन में ही क्रिएट करते हो। लेकिन जब आपको कुछ फेक मटेरियल दिखाया जाएगा या आपको कुछ ऐसा मटेरियल दिखाया जाएगा जो जिसका काम ही है कि आपका विचार को चेंज कर दिया जाए, तो फिर आपका दिमाग चेंज हो जाएगा, आपका विचार चेंज हो जाएगा, और फिर आप जो है अपने से सीखते वो नहीं सीख पाएंगे। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि भाई बहुत सारे एडवांटेज तो थे, लेकिन कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो राइटर ने दिया है कि एक कायला करके डॉल थी, ये जर्मनी की डॉल थी, ये यूरोपियन कंट्रीज में बिकती थी। इसमें क्या हुआ कि भैया पता ये पड़ा कि जो कायला के बनाने वाले बंदे हैं वो इस डॉल के थ्रू सबको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्पाई का काम कर रहे हैं लोगों के पीछे। अब भैया ये समझ रहे हो लोगों की प्रिवेसी खराब हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई अच्छी चीज़ तो लेके आया है, साथ में कुछ समस्या भी लेके आया है कि भैया आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्ट नहीं है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो है मैं अपना कैमरा यूज़ कर रहा था लैपटॉप का, तभी मुझे एक मैसेज आता है कि आपका जो कैमरा है लैपटॉप का वो हैक हो चुका है। मतलब आप समझ रहे हो, बैठे बैठे हमारे लैपटॉप के कैमरे हैक हो जाते हैं, उससे फिर आपको देखा जा रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ही हो रहा है और आज की डेट में पॉसिबल है। तो ये सारी बातें, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं पे इसके लिए नियम नहीं है। बहुत जगहों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए नियम है और इस तरीके के टॉयज़ को बैन करने के लिए नियम है, लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है, और बहुत जगहों पे मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में अभी ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिली हैं। इसके बाद देखो राइटर बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ आई हैं, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो आए हैं राइट टू एजुकेशन और इस तरीके के सारी चीज़ों पर, वो कहीं ना कहीं डिजिटल स्पेस की दुनिया को बढ़ाने का भी काम बात करता है और डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने के भी काम करता है। लेकिन उन सब के साथ भी इंडिया को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि भाई हर बच्चे के पास जल्द से जल्द इंटरनेट पहुंचे, डिजिटल डिवाइड ख़त्म हो। आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमने इस पर भी आर्टिकल डिस्कस किए हुए हैं कि भैया सबके पास सेम सुविधाएं नहीं हैं, सब सेम तरीके से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास बस कहने के लिए है, जिनके पास डिजिटल डिवाइड है, जो इन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं गरीबी की वजह से, फिर वो बेचारे क्या करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे नियम भी होने चाहिए जो अनलिमिटेड पावर ना दे इंटरनेट प्रोवाइडर्स को, इन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो इसका मिसयूज़ कर सके। तो ये सारी बातें हमने इस आर्टिकल में देखी। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। द ऑर्डिनेंस रूट इज बैड, रिप्रोलोंगेशन वर्स। ये आर्टिकल जो आया है क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। द ऑर्डिनेंस रूट इज बैड,
रीप्रोमोगलेशन वर्स, ये क्या है? देखो इस आर्टिकल को देखने से पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, बात करेंगे कि आर्टिकल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले देखो ऑर्डिनेंस तो आप समझते ही हो, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है मोस्टली तब ऑर्डिनेंस लेके आया जाता है। अब हो क्या रहा है, देखो जब पार्लियामेंट, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उसमें कुछ इस तरीके का प्रोविज़न नहीं दिया था कि एक बार कोई ऑर्डिनेंस आता है, मान लो कोई एक्स नाम का ऑर्डिनेंस आया, अब 6 महीने के लिए ये रहा, अब इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस करके फिर से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये 1 साल का हो गया, फिर पार्लियामेंट का क्या काम है, समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम देखने को अब मिलने लगी है, पहले तो ये चीज़ें नहीं होती थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी इस तरह की कोई पावर नहीं लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आप ऑर्डिनेंस को डबल से रिपीट कर सकते हो, क्योंकि ऑर्डिनेंस को जल्द से जल्द जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आती है आपको पार्लियामेंट में पेश करना होता है, वहाँ पर फिर इसको पास करना होता है अगर इसको कंटिन्यू रखना है। बट यहाँ पे फिर इतिहास देखा जाए, अब राइटर ने इसी की हिस्ट्री दिखानी शुरू करी है कि धीरे धीरे देखने में ये आ रहा है कि ऑर्डिनेंस को रिपीट करने वाला जो ये मामला है ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो अगर हम 1950s के आसपास की बात करें तो उस समय इस तरीके की चीज़ें के बारे में सोचा तक नहीं गया था, बट 1990s के आसपास यहाँ पे देखने को मिला कि 19.6 पर ईयर ऑर्डिनेंस आने लगे, और जिसमें 7.9 2010 तक पहुंच गए, थोड़ा सा संख्या कम हुई 7.9 पर ईयर इन 2010, और लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में स्पाइक देखा गया है 16 2019 में, 15 2020 में। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट भी आजकल इसको अच्छे खासा यूज़ कर रही है। देखो एक केस था, उस केस का नाम क्या था मुझे जल्दी से याद करने दो, फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है ना, ठीक है, हाँ, डीसी वाधवा करके एक प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, तो उन्होंने एक चीज़ ये फाइंड करी थी 1966 से 1981 के बीच में कि बिहार ने करीबन 256 ऑर्डिनेंस जो हैं वो पास किए हैं और इन्हीं को रिपीट कर रहे हैं, इनको अपने लेजिस्लेटिव असेंबली से पास नहीं करा रहे हैं। ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 1986 में वर्डिक्ट दिया कि भैया आप जो है ऑर्डिनेंस को रिपीट नहीं कर सकते हो, आपको जल्द से जल्द इसको पार्लियामेंट में जैसे ही सेशन में हो या लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे ही सेशन में हो आपको इसको पास कराना है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली और उस रूलिंग के बावजूद भी आज भी ये चीज़ें चलती हैं। फिर देखो क्या हुआ, 2013-14 के आसपास भी ये चीज़ें होने लगी, और फिर यहाँ पे देखो 2018 में सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला गया, 2017 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फिर ये बात बोली कि भैया ये तरीका गलत है और इस तरीके से आप जो है ऑर्डिनेंस को रिपीट नहीं कर सकते हो, आप इसको रीप्रोमोगलेशन में नहीं डाल सकते हो। इसको रीप्रोमोगलेशन का मतलब होता है फिर से उस चीज़ को रिपीट कर देना जब तक आप पार्लियामेंट से परमिशन ना ले पाओ या फिर उसको पार्लियामेंट से पास ना करा पाओ। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, 2019, 2020, 2018 सब में ऑर्डिनेंस पास हुए हैं और ऑर्डिनेंस को रिपीट कर दिया गया है। कुछ एग्जाम्पल अगर आप खुद से सोच के देखिए कि कौन से आपको एग्जाम्पल पता है जो बिल कभी आने की बात हुई थी लेकिन आज तक नहीं आए लेकिन वो लॉ बन के इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे देखने को मिली हैं और इसी का राइटर यहाँ पे आलोचना कर रहे हैं कि भैया जब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑर्डिनेंस के पावर दी थी सरकारों को तो वो क्यों दी थी, वो इसलिए दी थी कि इमरजेंसी के समय, अगर मतलब इमरजेंसी मतलब कोई बहुत मजबूरी है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है, तो उस समय आप इनका यूज़ करके कानून को कुछ दिन के लिए इम्प्लीमेंट कर लीजिए और जैसे ही सेशन में आती हैं आप इनको जो है तुरंत पास कराइए। लेकिन अब क्या है, इसको एज ए टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है इन सरकारों के द्वारा, क्योंकि इनको पता है बहुत बार कि बिल जो है वो पास नहीं हो पाता लेजिस्लेटिव असेंबली में से या पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाएगा, तो फिर यहाँ पे ऑर्डिनेंस का यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिली हैं। लास्ट में राइटर जो हैं वो ये बोलते हैं कि भाई लीगल पोजिशन तो इसके लिए क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है वो उसके लिए क्लियर है कि भैया ये चीज़ इलीगल है, ये नहीं करी जा सकती है, स्टिल करा जा रहा है, तो इस पर जल्द से जल्द रोक लगना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट्स एंड वेरियस हाई कोर्ट्स में इस पर इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज इट गाइस। एक आर्टिकल और था क्या, नहीं था बस, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे 3 आर्टिकल देखे, एक आज का देखा है मैनेजिंग एन अपहेवल, ये जो बवाल हुआ है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का उसके ऊपर, तो राइटर ने अनुमान लगाया है कि भैया कम से कम अभी यहाँ पे इसको 3 महीने लगेंगे सबके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। इट्स नॉट ईजी कि ये सभी के लिए इतना जल्दी से अवेलेबल हो जाए सिस्टम, क्योंकि ना उतना प्रोडक्शन होगा ना ही उस तरीके का मैनेजमेंट चेन बना होगा। इसके बाद है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये हमने देखा
किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बून भी है, बेन भी है। और बेन क्यों है? क्योंकि काफ़ी कुछ गलत भी सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ हार्म भी करता है चिल्ड्रन के माइंडसेट पे। बून क्यों है? क्योंकि भाई ऑफकोर्स इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी पूरे विश्व में बढ़ रही है, बंदा जो है, बच्चा जो है जल्दी सीखता है। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के पास तो अभी सुविधाएं नहीं अवेलेबल है इंटरनेट की, तो डिजिटल डिवाइड भी जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। फिर हमने देखा कि ऑर्डिनेंस रूट इज़ बैड, रिफॉर्मुलेशन इज़ वर्स। सबसे पहले तो राइटर यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, इसे हटा ही दो, सीधे लॉ लेके आओ तब भी उसको इम्प्लीमेंट करो, वरना कोई मतलब नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो फिर उसको रिप्रोमोगलेशन तो बिल्कुल ही गलत है कि आप उसको रिपीट कर रहे हो, रिपीट करना तो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो ये सारी बात यहाँ पर राइटर ने कही है। ठीक है, अब आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आज के सेशन में हमारा एक चीज़ और रहेगा कि जो भी हमारे पुराने मंथ के कुछ रह गए थे आर्टिकल्स, क्योंकि बीच में काफ़ी क्लास नहीं हुई थी ड्यू टू कोविड, मुझे कोविड हो गया था, तो इसीलिए उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो पहले ये ख़त्म करेंगे, उसके बाद पुराना जो मटेरियल रहेगा वो ख़त्म करेंगे। नहीं, इसके लिए सरकारी स्कीम लेके आई थी जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इसके अंदर क्या होगा कि अगर हैप्टी को के को जाके पैसा देना है तो पहले हैप्टी को जाना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में, यहाँ से उसको अपना पैसा सबमिट करना होगा, उसके बदले में इसको इलेक्टोरल बॉन्ड लेना होगा। फिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड हैप्पी जाके के में जमा करेगा, फिर के वाले इलेक्टोरल बॉन्ड से जाके अपना पैसा ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें एक समस्या क्या है, इसमें समस्या ये है कि भैया जो ये हैप्पी है ना, इसका नाम किसी को पता नहीं पड़ता है। अब आप कहोगे कि हैप्पी का नाम पता क्यों पड़े कि भाई हैप्पी ने के को पैसा दिया है, क्योंकि कल को मान लो देखो ये जो के है ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाती है और ये इस बंदे को फ़ायदा देती है, तो सबको पता तो रहेगा कि हाँ भाई इसने डोनेशन दिया है इसलिए इसको फ़ायदा दे रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें फिर ये पॉलिटिकल पार्टी करने से डरेंगी अगर नाम सामने आ जाएगा। तो ये चाहती है, डिमांड काफ़ी समय से आ रही है और इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। राइटर बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 24 को एक हियरिंग करी और उसके बाद इन्होंने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर ही ये हियरिंग थी। ऑल दो ये केस 3 साल से पेंडिंग है, 2018 का मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है और पिछले 3 साल से जब अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो ये काफ़ी एक समस्या का विषय रहा है भारत के अंदर, काफ़ी चर्चा चली है और ये पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपने ब्लैक मनी को कर देते हैं, है ना, फॉरेन से भी फंड आ सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लूप होल्स हैं जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए राइटर जो हैं वो ये बोलते हैं कि फॉर अ डीपली डिस्ट्रक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी एंड वॉयलेट कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन तरीके की चीज़ों को दूर रखना बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी होना स्पेशली इलेक्शंस के अंदर बहुत ज़रूरी है। देखो एक इक्वालिटी की भी बात करता है ये आर्टिकल। इक्वालिटी देखो ऐसे कि मान लो कोई बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है, नया नया इलेक्शन लड़ रहा है, अब उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वहीं एक पॉलिटिकल पार्टी जो काफ़ी समय से सत्ता में है, अब इसको ज़्यादा पैसा लोगों ने डोनेशन दे रखी है, इसके ज़्यादा चेले हैं जो इसको पैसा दे रहे हैं, क्योंकि कल को फिर इनको एडवांटेज भी देना होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है और इसी की बात यहाँ पर राइटर करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अक्रॉस डेमोक्रेटिक सोसाइटीज एंड थ्रू टाइम इट हैज़ बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट मनी इज मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ बाइंग पॉलिसी, ऑफ इंगेजिंग इन रेगुलेटरी कैप्चर एंड ऑफ स्क्यूइंग द प्लेइंग फील्ड इन वंस ओन फेवर। मतलब राइटर ये बोल रहे हैं किस तरीके से पिछले कुछ सालों में ये बात तो समझ में आ गई है कि पैसा ज़्यादा होने से किस तरीके से आप इलेक्शन में इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को काफ़ी समय से सुनने की कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक इस पर कोई ज़्यादा खास वो हुआ नहीं था, बट फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अभी सीरियस हुई है इस मुद्दे को लेके और लेट सी इस पर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो रीजनिंग दी जा रही है राइटर के द्वारा वो दी जा रही है कि भैया देखो वोटर जो है वो किसी को वोट देने जा रहा है तो उसको पता तो होना चाहिए ना कि वो जिस पार्टी को वोट देने जा रहा है वो पार्टी जो है एक्चुअली में कहाँ से फंडिंग प्राप्त कर रही है, उस पार्टी को कहाँ से पैसा मिल रहा है। तो ये जानना इसका राइट नहीं है क्या, राइट टू नो नहीं है क्या वोटर का? तो ये चीज़ भी यहाँ पे राइटर जो है वो पॉइंट रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद राइटर जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत जगहों पर तो देखो जो ये इलेक्शन की फंडिंग होती है ना ये पब्लिक पैसों से होती है, मतलब जो गवर्नमेंट के पास फंड होता है उससे होती है। तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, मान लो कि 4 पॉलिटिकल पार्टी हैं, गवर्नमेंट ने चारों को 20-20 लाख रुपए दे दिए, ठीक है,
कि भाई 20-20 लाख रुपए में अपने इलेक्शन को खत्म करो और सबको 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा करने का अनुमति नहीं है। तो अगर ऐसा कर दिया जाए, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, तो फिर क्या होगा कि जो नया बंदा आ रहा है इलेक्शन लड़ने उसको भी पैसा मिलेगा और वो भी कंटेस्ट कर पाएगा, और जो पुराने हैं वो तो कर ही पाएंगे। देखो एक प्रॉब्लम क्या है ना पॉलिटिक्स के अंदर हमारे यहाँ पे, कि क्यों कोई आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ पा रहा है या क्यों कोई आम आदमी इलेक्शन जीत नहीं पा रहा है, क्योंकि नॉर्मल ही खर्चा कम से कम 30 लाख 50 लाख इतना तो मिनिमम है। कोई छोटे छोटे इलेक्शंस में भी, गांव में अभी प्रधान प्रधान के इलेक्शन होते हैं तो 30-40 लाख तो वहीं खर्च हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हो कि मतलब ये मिनिमम अमाउंट जो है ये तो मतलब खर्च होना ही होना है, तो ये पैसा आम आदमी कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा भाई। और फिर आजकल इलेक्शन में कोई 30-40 लाख थोड़ा खर्च करता है, करोड़ों में पैसे खर्च हो रहे हैं, तो भाई फिर ये पैसे जो हैं ये आम आदमी तो नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक समस्या का विषय है बिल्कुल। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद राइटर जो हैं वो बात ये कहते हैं कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार दिस डिफेट्स द एंटायर पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी विच एज बी आर अम्बेडकर मेमोरली बी पॉइंटेड आउट वॉज नॉट जस्ट टू गारंटी 1 पर्सन 1 वोट बट 1 वोट 1 वैल्यू। तो ये सारी बातें यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया जो अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये सिर्फ फेवर कर रहा है कुछ लोगों को ही और बाकी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी इसकी वजह से नहीं मिल रही है, तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बाद देखो गैप्स इन गवर्नमेंट डिफेंस, गवर्नमेंट ने कुछ डिफेंस इस तरीके का दिया है कि हमने जो है ब्लैक मनी का फ्लो इलेक्शंस में रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का यूज़ किया है। अब इसका भी कुछ प्रॉब्लम्स है, इसके प्रॉब्लम्स यही है कि देखो आपने फॉरेन फंडिंग भी अलाउ कर रखी है, कंपनीज के थ्रू पैसा भी अलाउ कर रखा है, तो अब होता क्या है ना लोग फेक कंपनी बना देते हैं, फेक कंपनी बना के उसके थ्रू भाई पैसा कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर ये ब्लैक मनी को वाइट करने का भी तरीका है इनडायरेक्टली, है ना। फिर क्या है, जुडिशी नीड्स टू एक्ट। तो राइटर यहाँ पे देखो लास्ट में क्या बोलते हैं, राइटर कंक्लूड ऐसा करते हैं कि देखो सरकारें तो आती हैं जाती हैं लेकिन जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट पिलर है और वो इंडिपेंडेंट रहती है, तो यहाँ पे जुडिशरी को इसके ऊपर एक्ट करने की सख्त से सख्त ज़रूरत है और जुडिशरी को इसके ऊपर एक्ट करना बनता भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं राइटर इस आर्टिकल के अंदर कहते हैं, और राइटर लास्ट में ये भी कहते हैं कि 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बिल्कुल नहीं सुना, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, अगर अब सुप्रीम कोर्ट सुन के इस पर कुछ कड़ा फैसला ले ले तो ये एक बहुत अच्छी बात है पूरे देश के लिए एंड भारत की डेमोक्रेसी के लिए भी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस अगले आर्टिकल के ऊपर। अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है रिमूव द वेजेस इन इंडिया बांग्लादेश टाइज। तो ये जो आर्टिकल है आपका ये बात करता है यहाँ पे बांग्लादेश और भारत के रिलेशन के बारे में। यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर चर्चा करी गई है कि किस तरीके से बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन अभी चल रहा है और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं भारत और बांग्लादेश के इस आर्टिकल के ऊपर। तो फ्रेंडशिप, जहाँ पर राइटर ने जो लिखा है अपना आर्टिकल उसको शुरुआत किया है कि फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश जो है वो ऐतिहासिक है, कोई आज से तो है नहीं, 50 साल पुरानी है। पहले बांग्लादेश भारत ही होता था, फिर पाकिस्तान में गया, फिर भारत ने ही पाकिस्तान से इसको आज़ादी दिलाई। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। भारत का पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है बांग्लादेश को वो हमेशा से रहा है। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में हमने काफ़ी मदद करी है, करीबन 4,000 के आसपास इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी थी, और भारत के अंदर करीबन 10 मिलियन बांग्लादेशी जो हैं, एक आंकड़े हैं ये सब की रिफ्यूजीज जो हैं उन्होंने शेल्टर ले रखा है। इंडिपेंडेंस के बाद भारत और बांग्लादेश की रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से गुजरी है। उसका कारण क्या है कि बांग्लादेश में रेजिमास अलग अलग रहे हैं, कभी मिलिट्री रूल आ गया है ना। तो द रिलेशनशिप रिमेंड कॉर्डियल अंटिल द एसेसिनेशन ऑफ बांग्लादेशीज फाउंडिंग बांग्लादेश के जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे शेख मुजिबुर रहमान, उनकी अगस्त 15, 1975 में एसेसिनेशन हुआ था। उसके बाद से भारत और बांग्लादेश का रिलेशन थोड़े से ठंडे बस्ते में जा रहे थे, क्योंकि बीच में फिर मिलिट्री रूल और ये सब आने लगा। और फिर देखिए जनरल जी आर रहमान जब आए तब भी ऐसी चीज़ देखने को मिली। फिर देखिए क्या हुआ, 1982 से 1991 के बीच में मिलिट्री की गवर्नमेंट थी, जनता कूपता, उस समय भी कोई खास रिलेशन थे नहीं। फिर 1991 के बाद डेमोक्रेसी वापस से वहाँ पे आने की कोशिश करती है, तब थोड़े थोड़े रिलेशन जो हैं वो सही होते हैं। तो हाई एंड लोस तो चला हुआ है, लेकिन पिछले दशकों में देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, एक नया एरा ऑफ कोऑपरेशन के बीच में जा चुका है। चाहे फिर वो एनर्जी का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, कनेक्टिविटी की बात हो, ट्रेड की बात हो, तो हर जगह पे दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया है।
अब क्या है, बांग्लादेश और भारत जो हैं उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में काम तो किया है, ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातें हैं जहाँ पे चिंता का विषय है। चलो उसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, अपन उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं, अपन अभी लिखा जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में पहले बॉर्डर डिस्प्यूट का भी थोड़ा सा मामला चलता था कि भाई ये किसका पार्ट है किसका पार्ट है। तो 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कर दिया गया कि भाई जिसको जिसके पास रहना है वहाँ पे बॉर्डर में चुन ले, और उस तरीके से बंटवारा कर लिया गया। फिर क्या हुआ, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी जिसको प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी लीड करती हैं, तो उन्होंने बॉर्डर के पास से एंटी इंडियन इंसर्जेंसी वाले जो एलिमेंट्स थे उनको हटा दिया, जिससे कि बॉर्डर पे अब फाइनली पीस है। वरना बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे भी बीच बीच में सीज फायर और ये सब देखने को मिलता था, बट शेख हसीना जी ने इन चीज़ को टैकल करने में बहुत अच्छा रोल अदा किया है। भारत का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया के अंदर, एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश के अंदर जो है वो 9.21 बिलियन के आसपास है, और इम्पोर्ट जो है वो 1.04 बिलियन के आसपास है। इंडिया ने ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रखा है बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को भारत के अंदर, है ना, और बहुत सारे सेक्टर में हम जो है इस तरीके से बांग्लादेश की मदद करते हैं। वहीं पर अगर भारत की बात करें तो इंडिया ने 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट दिए हैं बांग्लादेश को रिसेंट ईयर्स के अंदर। देखो लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन में एक अंतर होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि हम जो है सामने वाली कंट्री को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जैसे मैं बोल दूं कि भाई मैंने किसी को लाइन ऑफ, मैं मतलब एक एग्जांपल ही ले लो, मान लो कि राज ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने बोल दिया कि राज को मैंने लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी है 1,000 रुपये की। अब 1,000 रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये कि राज मेरे से ज़रूरत पड़ने पे 1,000 रुपये तक ले सकता है। और अगर मैं यही बोलता कि मैंने राज को 1,000 रुपये का लोन दे दिया, इसका मतलब मैंने तुरंत 1,000 रुपये राज को दे दिए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ क्रेडिट एंड लोन। तो यहाँ पे हमने लोन नहीं, हमने लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए सहायता बढ़ाई हुई है, और 3 डिफरेंट डिफरेंट करी है, और उसमें से काफ़ी सारी पूरी भी कर दी है, कुछ कुछ पूरी नहीं हो पाई हैं। तो भारत में ये समस्या हमेशा से रही है, सिर्फ बांग्लादेश के साथ नहीं, ये हर कंट्री के साथ रही है कि हम वादे बहुत करते हैं निभा पूरा नहीं पाते हैं। उसका एक कारण होता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब जो सरकारी जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा सा इस वजह से चीज़ देखने को मिलती है। रिसेंटली अगर हम देखें तो 1.9 किलोमीटर का लॉन्ग ब्रिज मैत्री सेतु भी बनाया गया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। ये प्रीलिम्स के लिए देखा जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस है ना, तो ध्यान रखना। जो रामगढ़ बांग्लादेश के अंदर है और सबरूम भारत के अंदर है, इसको जोड़ता है। तो मैत्री सेतु किसको जोड़ता है, क्या जोड़ता है, 1.9 किलोमीटर का है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ऐसे पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर काफ़ी सारे देखो वाटर डिस्प्यूट भी थे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, लेकिन अभी वो सब भी सॉर्ट आउट कर दिए गए हैं। और अभी एक समस्या जो फंसती है वो फंसती है कि काफ़ी सारे इलीगल इमाइग्रेंट जब बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको शूट आउट करके मार दिया जाता है। तो ये चीज़ रोकनी है। अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि नो क्राइम नो डेथ बॉर्डर बनाना है दोनों ही देश के बीच का। तो ये जो एक एम है इसको प्राप्त करना है, मतलब तरीके से जो जयशंकर साहब का कहना था इनडायरेक्टली, वो ये कहना था कि आप लोगों को हमारे देश में आने से रोक रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और आपको ये करना भी चाहिए, लेकिन लीगल वे का फॉलो करिए और इस तरीके से ना करिए। इसके बाद क्या है, श्रीलंका नेपाल मालदीव जो हैं वो कभी भारत के ट्रेडिशनल इंडियन एलाइज होते थे, पर धीरे धीरे देखिए चाहे श्रीलंका की बात करें चाहे नेपाल की बात, पी एंड ओपन करके आर्टिकल आया है, ये US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं इनका नाम है एल लॉयड ऑस्टिन, है ना। अभी हमने एक दिन न्यूज़ में भी देखा था कि भारत आए हैं ये, तो भारत आने से पहले ये अफगानिस्तान में भी रुक गए थे। ये एक सरप्राइज़ इनकी विजिट थी अफगानिस्तान की, जो कि ये पहले से प्री प्लान नहीं था। और ये आर्टिकल जो है बेसिकली ये बात करता है कि ऑस्टिन जब भारत आए तब क्या क्या बातचीत सामने आई। तो सबसे पहले देखो एक बात आई अफगानिस्तान की, भारत देखो जानता है, मतलब भारत जो है वो तालिबान से ज़्यादा वार्तालाप करना चाहता नहीं है, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान को जो है वो तालिबान के कंट्रोल में दे दिया जाए। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान जो US है उसने तो डिसाइड कर रखा है कि हमें तो अफगानिस्तान से जाना है, और उसमें वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की भी मदद ले रहा है। एक चीज़ और है कि देखिए US ने एक डेडलाइन दी थी कि हम 1 मई तक जो है हमारी फोर्सेस को अफगानिस्तान से ले जाएंगे। अब इस पर भी विचार चल रहा है कि क्या 1 मई में ऐसा कर देना चाहिए कि नहीं, अभी थोड़ा और समय लेना चाहिए। तो ये सब एक तो मुद्दा था जिस पर काफ़ी वार्तालाप हुई। दूसरा एक मुद्दा है काटसा का। काटसा का मुद्दा क्यों है भाई, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने जो है डिसाइड किया था कि वो S-400 मिसाइल सिस्टम परचेस करेगा, कहाँ से, रशिया से। तो अब
ऑस्टिन ने तो ये कहा है कि भैया डायरेक्टली जो बात आई है वही आई है कि अभी तो डिलीवरी ली नहीं है आपने, पर डिलीवरी अगर आप ले लेंगे तो फिर आपको भी कॉन्सिक्वेंस जो है वो सहने पड़ जाएंगे। कार्ड साहब को पता है यूएस का एक एक्ट है काउंटरिंग अमेरिका वो वाला जो एक्ट है, जिसमें ये बात सामने रखी गई है कि अगर कोई भी ऐसी कंट्री जो यूएस के एनिमी कंट्रीज के साथ ट्रेड करेगी या यूएस की जो जो मतलब फेवर कंट्रीज नहीं है उनके साथ ट्रेड करेगी, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, तो फिर यूएस जो है उन कंट्रीज़ के ऊपर सेंक्शन लगा देगा। तो काट्सा एक्ट को लेके यहाँ पे एल लॉयड ऑस्टिन ने चिंता व्यक्त करी है और इंडिया को चिंता व्यक्त करी है कि भैया आप जो है S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे हो रशिया से, ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं होंगी फ्यूचर में अगर आपने ये चीज़ें कंटिन्यू रखी। ठीक है, तो ये भी ऑस्टिन साहब ने सामने रखा है। एक और यहाँ पे देखो, चाइना का नाम तो नहीं लिया गया क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर इशू है उसको बायलेटरल इशू मानते हैं चाइना इंडिया लगभग लगभग दोनों ही, पर इनडायरेक्टली यहाँ पे चाइना की बातें करी गई हैं, चाइना को बताया गया है कि आप जो है कर रहे हो या अच्छा नहीं कर रहे हो, पर डायरेक्टली इनका नाम यहाँ पे नहीं लिया गया है। तो ये सारी बातें जो हैं वो सामने आई हैं। और जहाँ तक बात करी जाए अफगानिस्तान पीस प्रोसेस की, तो अभी हमने देखा था कि रशिया ने मीडिएट किया था, एक नया जल्दी ही समिट हुई थी, और अफगानिस्तान में भारत जो है देखो वो यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, भारत ने काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी कराया हुआ है। तालिबान को हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है कि तालिबान अगर सत्ता में आएगा तो पाकिस्तान के टेररिस्टों की मदद कर सकता है अफगानिस्तान की ज़मीन को यूज़ करने के लिए अगेंस्ट द इंडिया। तो इंडिया को ये प्रॉब्लम हमेशा रही थी तालिबान से, लेकिन अभी हमने एक जो चेंज किया है हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो ये किया है कि पहले जो है वो इंडिया तालिबान के साथ बातचीत में भी इंडल्ज नहीं होता था, लेकिन अब जो है भारत भी तालिबान के साथ बातचीत में इंडल्ज हो जाता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में तालिबान ही आ गया अफगानिस्तान में तब फिर हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक कम्युनिकेशन चैनल होने की तालिबान से। तो इसीलिए इंडिया ने ये अभी जल्दी शुरू किया है। ये काफ़ी पहले से जानकार लोग जो हैं वो ये कहते थे, वो चाहते थे कि भारत जो है वो इस चीज़ में इंडल्ज हो, भारत जो है वो तालिबान से बातचीत करे और तालिबान के साथ संपर्क में रहे, और फाइनली जो है भारत ने इस चीज़ के ऊपर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल जो है द वे फॉरवर्ड, ये आर्टिकल आया है म्यांमार के जनता कूप से रिलेटेड। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा अपन देखते हैं। देखो, म्यांमार में ऐसी पहली बार नहीं हुआ है कि जनता कूप हुआ है या मिलिट्री ने चीज़ों को अपने अंडर में लेने की कोशिश करी है। 2010 की अगर आप लास्ट टाइम बात करो तो 2010 में जो लास्ट आपके मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने सेम ही डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करी थी, और उसके बाद ये जो इलेक्शन हुए थे सत्ता आई थी। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, इससे पहले भी देखो इस तरीके की चीज़ें म्यांमार की आर्मी के द्वारा किया गया है, जनता कूप वहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि यहाँ की जो मिलिट्री है अब वो इस प्रोटेस्ट को जो म्यांमार में हो रहा है अगेंस्ट दिस जनता कूप उसे कुचलने में कह सकते हो आप कि खड़ी नहीं उतर पा रही है, उसको शांत नहीं करा पा रही। इससे पहले जब भी इस तरीके की चीज़ें होती थी तो प्रोटेस्ट होता था तो जो जनता कूप होती थी जो मिलिट्री होती थी वो मामले को शांत कर देती थी, लेकिन अब ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि ये जो जनता रूल आया है इसके अगेंस्ट में लोग जो हैं वो बिल्कुल सड़क पे उतर आए हैं और थमने का नाम ही नहीं ले रही है चीज़ें। मतलब चाहे मिलिट्री ने अभी कितने लोगों को मार दिया है वहाँ पे, अभी हम एक दिन आर्टिकल पढ़ रहे थे कितना ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि म्यांमार से जो काफ़ी सारे लोग हैं वो भाग के मिजोराम आ रहे थे तो अभी बॉर्डर सील कराया गया है, कल ही देखा था हमने ये। तो कहने का मतलब ये कि पहली बार इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो उतर गया है, जनता जो है स्पेशली जो यंग पीपल हैं वहाँ के वो बिल्कुल स्वीकारने को तैयार नहीं है जनता कूप, और वो चाहते हैं डेमोक्रेसी आए। उसमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जी भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यही सब बातें इस आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है कि क्या वे फॉरवर्ड है। और जहाँ तक बात करी जाए मिलिट्री की, मिलिट्री को ऐसा लगा होगा कि भाई चीज़ों को कुचल के हम वापस सत्ता में काबिज हो जाएंगे, लेकिन अब ये मामला जो है शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इंटरनेशनल प्रेशर तो है ही है, साथ ही साथ म्यांमार की जो जनता है वो भी इस स्टेप के अगेंस्ट में काफ़ी डट के सामना कर रही है। ठीक है, और म्यांमार की वैसे इतिहास उठा के देखा जाए तो वहाँ मिलिट्री कूप जो है कोई नई चीज़ तो नहीं है। ठीक है, संजू कुमार कह रहे हैं सर आर्टिकल साइज इंक्रीज करो। अरे मेरे भाई इसको क्या पढ़ना है, तो मैं तो लिखा ही रहेगा ना पीडीएफ में, पढ़ लेना, समझो अभी। ठीक है, ऑफ जजेस क्लोज्ड प्रोब्स एंड द बार्स ऑफ मेरिटा, ये आर्टिकल क्या है, देखो अभी 24 अप्रैल 2021 को जस्टिस एन वी रमाना,
ये नाम याद रख लो, अब ये नाम बहुत सुनना है, क्योंकि ही इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रॉबेबली। और अभी आर्टिकल क्या आया है, देखो ये आर्टिकल ये आया हुआ है, अपन जहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बायस भी है आर्टिकल, लेकिन ठीक है, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं सामने। इस आर्टिकल के अंदर जो राइटर हैं वो चिंता ये व्यक्त कर रही हैं कि ये जो जस्टिस आपके NV रमाना साहब हैं, इनके ऊपर ही रेड्डी साहब जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लेटर लिखा था जब सुप्रीम कोर्ट को, तो उसमें इनका नाम भी लिखा था कि इन्होंने काफ़ी इंटरफेयर किया वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के फैसले के अंदर, और किस तरीके से हाई कोर्ट में फेवरेबल बेंचेस को बैठा, ऐसे लेटर में जो रेड्डी साहब है उन्होंने लिखा था। अब यहाँ पे देखो राइटर जो हैं वो ये बोलती हैं कि अब देखो कल को ये अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं तो फिर ये मास्टर ऑफ द रोस्टर होंगे, तो कल को अगर इनके खिलाफ भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तो उसमें भी यही डिसाइड करेंगी कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। आप गगोई साहब वाला याद कर लो, जब सेक्सुअल एलिगेशन लगे थे, सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन लगे थे उनके ऊपर, तो उन्होंने खुद ही प्रिसाइड कर लिया था वो वाला पूरा मैटर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे राइटर जो है वो चिंता ये व्यक्त कर रही है कि कोई तरीका ऐसा होना चाहिए, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, कि अगर ये फेक है, अगर ये सारे चार्जेस मतलब इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं रेड्डी साहब के द्वारा वो फेक हैं, तो यहाँ पे रेड्डी साहब के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट का एक्शन लिया जाए। बट अगर ये थोड़ा भी चांसेस हो कि अगर ये एलिगेशन सही है तो फिर ये देश के लिए आगे अच्छा नहीं है, ऐसा राइटर यहाँ पे बोलते हैं। बाकी क्या सच है क्या गलत है ये तो फ्यूचर में पता पड़ेगा, लेकिन जो टू पॉसिबल आउटकम्स की यहाँ पर राइटर बात करती हैं वो यही करती हैं कि एक तो या तो ये होगा कि भाई रेड्डी साहब के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलेगी कि भाई आपने जुडिशरी के मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश करी, आप कंटेम्प्ट किया, आपने जुडिशरी का डिसरिस्पेक्ट किया, और दूसरा या तो ये हो सकता है कि भाई जस्ट जो रेड्डी साहब हैं वो बात सही कह रहे हो। तो अब ये चीज़ें कैसे क्लियर होंगी जब ये खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे, तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू जो है ये चीज़ें जो हैं वो पहुँचें नतीजे पर, पहुँचें कि ऐसा है ऐसा नहीं है, क्या है मामला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस वॉज दिस आर्टिकल इज। इसके बाद देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, वो आई है कि इंक्रीज इंटरवल बिटवीन टू डोजेज ऑफ कोविशील्ड से सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो ज़्यादा इफिशियंट तब होगी जब पहली एंड दूसरी डोज के बीच में ज़्यादा गैप कर दिया जाए, तो 6 to 8 weeks का गैप रखने की बात यहाँ पे करी गई है। देखो नेशनल अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, वैसे तो ये UPSC के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर अगर कोई वन डे एग्जाम्स देता है तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, वनडे एग्जाम्स लाइक SSC बैंकिंग इन सब में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो नेशनल अवार्ड में देखो बेस्ट फीचर फिल्म मिली है, थोड़ा सा पढ़ लो बस, ऐसे ही है ना, सिम्हन करके ये मलयालम फिल्म है, कंगना रनावत को फिर से नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का फॉर मूवी का मनी का निका इन पंगा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है पल्लवी जोशी को, धनुष साहब जो हैं इनको ये अच्छी मूवी है सुरन मैंने देखी है, आप भी देखिएगा, अच्छी मूवी है, तो इनको यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसी तरीके से काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं, बट द थिंग इज कि UPSC जो है नेशनल अवार्ड पे क्वेश्चन वोश्चन नहीं पूछती है, ना आज तक कभी मैंने देखा है, पर ये वन डे एग्जाम्स पे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मनोज बाजपेयी साहब को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो धनुष और मनोज बाजपेयी दोनों लोगों को मिला है, 67 नेशनल फिल्म फेयर ये अवार्ड था, ठीक है। तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके बाद देखो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर साइलेंट ऑन रिपोर्ट्स ऑफ UAE रोल इन इंडिया पाकिस्तान डिटेंडी। देखो मामला क्या है, मामला ये है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हल्का सा आप कह सकते हो कि रिलेशन थोड़े ठीक होने की कगार पे पहुंचे थे जब सीज फायर वाला एग्रीमेंट हुआ और इमरान खान को हमने हमारा एयर स्पेस दिया यूज़ करने के लिए। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, सुनने में ऐसा आ रहा है, रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जो बैक चैनल टॉक्स हुई थी ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसके वजह से ये एग्रीमेंट जाके संभव हुआ, उसमें UAE ने काफ़ी मीडिएट किया है, UAE एज ए मीडिएटर की तरह काम करी है, और UAE ने काफ़ी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑल दो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बोलने से अभी कुछ खास स्टेटमेंट दी नहीं है, बट अगर ऐसा होता है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं बोला, चीज़ें सामने भी लाई जाती है क्योंकि देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है कि ऐसा माना जाता है कि बायलेटरल इश्यूज हैं और इंडिया पाकिस्तान दोनों ही चाहते हैं कि कोई तीसरी कंट्री ज़्यादा जो है वो इंटरफेयर ना करे। वैसे पाकिस्तान ऐसा चाहता है नहीं चाहता है तो पता नहीं, बट इंडिया ज़रूर चाहता है कि इस तरीके की चीज़ें ना हो। आपको शिमला एकॉर्ड याद करना होगा जहाँ पर ये बात हुई थी दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में कि भैया अपना तुम्हारा मामला, इसमें तीसरे कंट्री को ना इन्वॉल्व किया जाए। देखो तीसरे कंट्री को इन्वॉल्व ना करने का एक और कारण होता है, देखो आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज ले लो, ये सारे जो हैं वो आर्म्स एक्सपोर्ट करके काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं।
अब भैया कहीं देशों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होगा तो किसी देश की आर्मी क्यों आर्म्स खरीदेगी, क्यों इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदेगा अगर इंडिया का चाइना से पाकिस्तान से थ्रेट नहीं होगा तो। समझ रहे हो, एक एग्जाम्पल है, ऐसे यूएस से बहुत कुछ लेते हैं हम, तो मतलब कहने का मतलब है कि इसलिए थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस जो है वो अवॉइड करते हैं लोग। बट अगर यहाँ पे यूएई ने बैक चैनल में टॉक्स में काफ़ी अच्छा काम किया है, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चीज़ें जो हैं वो मतलब सॉल्व हो जाएं, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, एक मेरा आज आपका आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस आर्टिकल में उसका जिक्र भी है, रेड्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड ऐसे करके, तो ये रेड्स जो है ये किसका पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का या किस चीज़ का है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आज का जो पहला एडिटोरियल है वो है जंक इफिशियंसी, ये आर्टिकल जो है बात करता है जो स्क्रैपेज पॉलिसी अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस करी गई है। देखो, तो स्क्रैपेज पॉलिसी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस करी गई है, इसकी एक खास बात ये है कि बड़ी अच्छी है ना, ज़रूरत थी इसकी। लेकिन राइटर जो है इस आर्टिकल में बात करेंगे कि चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, उसमें एक चिंताजनक मार्ग मतलब चिंताजनक एक क्वेश्चन है। राइटर देखो यहाँ पे बात करते हैं कि देखो अभी कुछ समय पहले 2019 में आपने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट लाया था, कुछ अमेंडमेंट किए थे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। अब आपने अमेंडमेंट तो कर दिए, सब कुछ ठीक था, लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स ने आपका साथ नहीं दिया, उन्होंने कहा कि भैया वो आपके साथ इस डिसीजन पे खड़े नहीं हैं, और काफ़ी सारे स्टेट्स का ये देखने को मिला कि उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया। तो ये जो समस्या है ये फ्यूचर में भी मिलने वाली है। अब देखो राइटर जो है वो क्या क्या कहते हैं कि देखो 1 अप्रैल 2022 तक जो है ये गवर्नमेंट व्हीकल्स पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और 2024 तक ये प्रॉपर सब जगह पे हो जाएगा। वैसे तो इसमें कुछ और बातें भी थी, जैसे कि टोल बूथ अगले साल तक ख़त्म कर दिए जाएंगे, एक बात ये थी, और दूसरा ये था कि ग्रीन टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिली थी। ठीक है, इसमें देखो क्या है, नियम ये है कि भाई 15 से 20 साल के अंदर जो भी पुरानी गाड़ी हो चुकी होंगी उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, और उन लोगों को नई गाड़ी खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियाँ भारत में ऐसे तो काफ़ी सारी चल रही हैं। आजकल क्या होता है ना, देखो जो मिडिल क्लास जनता है या फिर जो लोअर क्लास जनता है, अगर दे वॉन्ट टू बाय अ कार तो प्रोबेबली वो लोग सेकंड हैंड या थर्ड हैंड गाड़ी ले लेते हैं। अब ये जो गाड़ियाँ होती हैं इनकी मतलब नॉर्मली समय जो होता है वो 15 साल 16 साल 14 साल इतनी पुरानी हो चुकी होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि भाई बहुत सारे लोग तो खुद से भी गिव अप नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनके अब भाई आप कहते रहे हो ठीक है, तो क्या आप जैसे 1 लाख की गाड़ी है भाई, किसी बंदे ने सेकंड थर्ड हैंड गाड़ी 1 लाख में खरीदी थी, अब आप इसको स्क्रैप करके क्या नई गाड़ी 1 लाख में थोड़ा दिलाओगे, अब कितना भी सब्सिडी दे दोगे तो 6 लाख की गाड़ी या 5 में दिला दोगे 4.5 में दिला दोगे, मतलब इससे ज़्यादा क्या कर पाओगे। तो ये हर कोई नहीं चाहेगा ना इससे ये चीज़ें खरीदना, तो ये अपने आप में डिफिकल्ट सिचुएशन है। प्लस फिर स्टेट गवर्नमेंट कितना कॉपरेट करती है ये भी एक समस्या है। देखो मेट्रो सिटीज़ में ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, लेकिन छोटे शहरों में ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। दिल्ली में देखो क्या होता है ना, दिल्ली में 10 साल कर दी गई थी किसी भी गाड़ी का जो टाइम लिमिट है, तो उसके बाद दिल्ली में गाड़ी यूज़ होती है, 8-9 साल बाद उसको दूसरे जगहों पर जाके भेज देते हैं। उससे क्या होता है कि दिल्ली की गाड़ियाँ इसलिए पूरे इंडिया में सस्ती बिकती हैं, क्योंकि ये पहले से चला रहा है, दीज आर द लूप होल्स, और वो आगे भी देखने को मिल सकता है। फिर देखो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल जैसे कि ट्रक हो गए, बस हो गई, अब भाई इसका जो बंदा है वो 30-40 लाख रुपये खर्च करके एक गाड़ी बनाता है, अब आप इसको कितनी भी सब्सिडी दे दोगे इसकी गाड़ी स्क्रैप करके, तो क्या वो 25 लाख रुपए फिर से इकट्ठा करके तुरंत नई गाड़ी ले पाएगा। तो ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, मार्ग है कि हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स वाले जो लोग हैं ये कैसे करेंगे, और ये सारी बहुत बड़ी बड़ी इसमें बातें हैं। देखो एक तो COVID-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी के ऊपर, उससे भी उजागर करने के लिए या फिर उससे भी बचाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, ये तो अपने आप में एक बात है ही है। साथ ही साथ देखो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेगमेंट के ऊपर भी शिफ्ट होना है धीरे धीरे, फॉसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल्स को छोड़ना है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी कोशिश है, प्रयास है, बट कितना जल्दी ये चीज़ें हो पाती हैं, किस तरीके से ये हो पाती हैं, ये देखने लायक चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो दिस इज़ वॉट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। इसमें देखो मेन जो राइटर का जो कंसर्न है वो यही है कि आपकी जो पॉलिसी है बहुत अच्छी है, और समय की डिमांड भी थी, आपको ये बहुत सही समय पर लाए हैं, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल है ना वो एक चिंताजनक विषय है कि आप इसको इम्प्लीमेंट जो है वो किस तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि सपोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का तो मिलने का ना सही चांसेस हैं। फिर देखो क्या है, डबलिंग डाउन ऑन अ रिसाइलेंट इंडिया, ये वाला आर्टिकल जो है इसको भी डिस्कस करते हैं। यह आर्टिकल बेसिकली देखो बात करता है कि भारत में जो है विद टाइम धीरे धीरे आप देखते हो कि
भारत में आप ये देखते हो धीरे धीरे कि जो आपके फॉरेन कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट मनी इन आर कंट्री, और काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को ये लोग जो है पैसा दे रहे हैं, भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि ये लोग पैसा भारत में लगाना चाह रहे हैं? मतलब कुछ तो उनको भारत में दिख रहा होगा ना, तो उसी को राइटर इस आर्टिकल में बताने की कोशिश करते हैं, और उसी को राइटर यहाँ पे बताएंगे कि कुछ मेजर चार कारण राइटर को लगते हैं जिसके वजह से उनको लगता है कि भारत में ये कंट्रीज जो हैं वो पैसा अपना लगाना चाहती हैं, इस कंट्रीज के जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा लगाना चाहती हैं। कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, वालमार्ट, सैमसंग, फॉक्सकॉन, सिल्वर लेक, ये सब काफ़ी पैसा लगा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि कौन कौन सी कंपनीज में इन्होंने पैसा लगाया है, अभी काफ़ी न्यूज़ में रहता है कि बेंगलोर की फला कंपनी में लगा दिया, जियो के साथ अभी फेसबुक की डील हुई, आपको पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो हो रही हैं, बिल्कुल नो डाउट। तो ये क्यों हो रही हैं, कारण क्या है ना, देखो भारत में अभी एक ऐसा मतलब सिंपल, मैं पहले तो ये जो लिखा है एडिटोरियल में वो तो हटा ही दो, ऐसे आप देख लो। सबसे पहला कारण क्या होता है, पॉपुलेशन, लोगों को लगता है कि भाई जनता बहुत है इनके यहाँ, है ना। दूसरा क्या है कि जो यूएस बेस्ड कंपनीज है उनको लगता है ये कल को यूएस जो है वो चाइना के ऊपर कुछ एग्रेसिव एक्शन ना ले ले, और अगर हम चाइना में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हम पे ही नुकसान हो जाएगा। तो चाइना के बाद फिर उतनी पॉपुलेशन सिर्फ उनको इंडिया में ही दिखती है, तो फिर वो इंडिया की तरफ सोचते हैं, है ना। तो अब चलो देखते हैं, सबसे पहला जो कारण है वो बताया गया शीयर डेमोग्राफिक्स, मतलब सिंपल है, पॉपुलेशन भारत में इतनी है तो इसके वजह से काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। दूसरा है जियो पॉलिटिक्स, यूएस चाइना वाला इशू, कल को यूएस कोई हार्श एक्शन ले लिया, चाइना को यूएस के अगेंस्ट में हार्श एक्शन ले ले, तो फिर ये सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं थोड़ा सेफ साइड में जाना। तीसरा है डिजिटल कनेक्टिविटी, जो डिजिटल कनेक्टिविटी भारत में वो तो बढ़ी है, ऑफकोर्स 700 मिलियन इंडियंस के आसपास आज की डेट में इंटरनेट है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो है 500 मिलियन, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, इतना तो लोगों की जनसंख्या नहीं होती किसी कंट्री में, तो ये 500 मिलियन को भी अट्रैक्ट करना चाहेंगे ये बड़े बड़े जायंट, और ये चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि ये 500 मिलियन जो हैं ये भी उसमें कवर हो जाएं। इसके बाद क्या है, नेशनल रिसाइलेंस, भारत का भी जो इमेज है थोड़ी सुधर रही है, एक हमने कोविड 19 की वैक्सीन इतनी जगहों पे दी, प्लस इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी हमारे यहाँ पे कोविड 19 को रोक लिया गया, मतलब रोकना इन द सेंस काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, काफ़ी लोग की डेथ हुई, लेकिन बावजूद उसके भी काफ़ी हद तक कही कंट्रोल में थी, प्लस अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू कर दी गई है वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पहले ही, तो ये सब अपने आप में एक मतलब एक अच्छा स्टेप था भारत की सरकार का जो देखने में मिला। तो यही सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से राइटर को लगता है कि लोग जो हैं भारत में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। फिर लास्ट में देखो एक एडिटोरियल आया है राइजिंग पॉवर्टी, ये आर्टिकल कहता है कि भाई भारत में कोविड 19 ने गरीबी बढ़ाई है, तो किस तरीके से बढ़ाई है, देखो सिंपल सी बात है, गरीबी बढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ा बेसिक जो रीज़न रहा है वो रहा है कोविड 19 में जॉब जाना, कोविड 19 में इनकम ना आना, और इसके वजह से चीज़ें देखने को मिली हैं। हुआ क्या कि जो मिडिल क्लास है वो लोअर क्लास में चला गया, लोअर क्लास तो बिल्कुल गरीब तबका बन गया, बहुत सारे लोग, सब नहीं कुछ लोग, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिली, और उसी के कुछ आंकड़े यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं। अगला आर्टिकल है ईरान डील कुड बी रेस्क्यूड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखो ये क्या है, ईरान न्यूक्लियर डील हमें पता है, ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं इसे, इसे P5+1 नेशन डील बोलते हैं, है ना, इसे JCPOA भी बोलते हैं। P5+1 में 5 परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है भाई बताओ, एक कौन है, ये जर्मनी है। JCPOA मतलब जॉइंट कॉम्प्रेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, था क्या इसमें, ये था कि भाई ईरान जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा, या फिर मैं कहूँ न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बनाएगा, और उसके ऊपर से सारी कंट्रीज जो हैं सैंक्शंस हटा लेंगी। फिर हुआ क्या कि 2000, ये तो ओबामा साहब के टेन्योर में हुआ था, फिर आए डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भाई अपने आप को इस डील से बाहर ले लिया, साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो फ्रेंड्स कंट्री थी जैसे कि इंडिया एंड अदर्स, उनको भी कहा कि भाई आप भी जो है इनसे ट्रेड वेड मत करिए। फिर आपको पूरा मामला ही पता है कि कैसे कासिम सुलेमानी वाला इंसिडेंट हुआ, कैसे ड्रोन शूट आउट वाला मामला हुआ। फिर हमने एक चीज़ देखी कि बाइडेन साहब सत्ता में आए हैं तो पूरे विश्व को उम्मीद है कि बाइडेन साहब जो है वो ईरान न्यूक्लियर डील को फिर से ट्रैक पे ले आएंगे, और काफ़ी समय हो चुका है वैसे तो, अभी ठंडे बस्ते में चल रही हैं चीज़ें। ऑल दो बाइडेन साहब इज सीरियस अबाउट ईरान न्यूक्लियर डील, उन्होंने अपने स्पेशल एक बंदे को अपॉइंट भी किया इसी मुद्दे को देखने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं चीज़ें करती हैं। लेकिन लास्ट में राइटर जो हैं इस आर्टिकल में बोलेंगे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका बहुत बड़ा रोल है, ये एज ए मीडिएटर की तरह अगर काम ढंग से करेगा तभी चीज़ें आगे संपन्न हो पाएंगी, अदरवाइज वो काफ़ी डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी।
फिर क्या है, म्यांमार बॉर्डर शट अमिड स्टेंस ओवर रिफ्यूजी क्राइसिस। आपको पता है कि म्यांमार के अंदर जो है वो मिलिट्री कूप चल रहा है, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग वहाँ से भाग के मिजोराम आ रहे थे। ऑल दो मिजोराम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इस मुद्दे पे सेम पेज पे नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि आप क्यों भैया यहाँ से रिफ्यूजीज़ को एंट्री दे रहे हो, मिजोराम कह रहा है कि ह्यूमन राइट क्राइसिस है, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं। ऑल दो अभी तो बॉर्डर सील करा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर यहाँ पे देखो, एक आपके आईपीएस थे, उन्होंने परमवीर सिंह जी, उन्होंने चार्जेस लगाए थे, उन्होंने कंप्लेन करी है ठाकरे साहब को रिगार्डिंग देयर होम मिनिस्टर। तो उसी पे शरद पवार जी का स्टेटमेंट आया है कि भैया अगर वो गलती करी होगी उन्होंने तो ऑफकोर्स ठाकरे साहब इसके ऊपर एक्शन लेंगे। फिर हमने देखा कि बार्टर कंटिन्यूज इन दिस आंध्रा हेमलेट। एक बार्टर सिस्टम आप समझते हैं कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ का आदान प्रदान करना, जैसे कि चावल के बदले में राइस, राइस के बदले में गेहूं ले लेना, ठीक है। तो ये क्या था, बार्टर सिस्टम पहले होता था। तो अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ की एक ट्राइब है जो महुआ फ्लावर्स का सेल करके आंध्र प्रदेश में अपने घर के लिए चावल और आयरन नमक जो है वो लेके जा रही है। ये जो कम्युनिटी है ये बिलोंग करती है फ्रॉम मुर्दिगम एरियाज, और मुरिया ट्राइबल वुमेन है ये, बांदा मुर्दिगम एरियाज, नक्सल हिट सुकमा रीजन। सुकमा का नाम आपने काफ़ी सुना होगा छत्तीसगढ़ में, वहाँ से। और ये 40 किलोमीटर ट्रैवल करके आंध्र प्रदेश में गोदावरी, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते हैं। फिर हमने कहे तो एक आर्टिकल कल परसों भी पढ़ा था कि चाइना जो है किस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है, और अभी फिलीपींस ने चाइना को अक्यूज़ किया है कि भैया आप इनकर्जन कर रहे हैं डिस्प्यूटेड सी के अंदर, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो दिस इज़ वॉट दिस आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ वॉट दिस सेशन इज़ ऑल अबाउट। आई होप आपको सेशन गाइज अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको अगर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, आप प्लान कर रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड MPS, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। द बाइडेन टच टू सोबर येट सब्सटेंटिव टाइज। ये देखो इंडिया एंड यूएस के रिलेशन को बताने की कोशिश कर रहा है ये आर्टिकल, कि भैया डोनाल्ड ट्रंप के समय और अब बाइडेन के समय में क्या क्या अंतर आने को हो सकता है और अभी तक क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट किया गया है राइटर के द्वारा इस आर्टिकल को कि भैया देखो एक साल हो चुका है जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उस समय जो थे वो भारत में आए थे सरदार पटेल स्टेडियम के अंदर, जो कि अब मोदी जी स्टेडियम हो गया है अहमदाबाद वाला। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि भैया भारत जो है वो उनका एक बहुत ही क्लोज एलाई है, नरेंद्र मोदी जी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, और ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे कही गई थी। राइटर जो हैं वो बोलते हैं कि देखो भैया दोनों ही कंट्री में नंबर ऑफ जो कोरोना वायरस केसेस थे वर्ल्ड में वो हाईएस्ट थे, और अब तो स्टेडियम का नाम भी चेंज हो गया है। एक सार्केजम राइटर यहाँ पे दे रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं कि भैया वहाँ पे प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए हैं, जोसेफ बाइडन साहब आ गए हैं। तो यहाँ पे राइटर जो हैं वो कहते हैं कि देखो जोसेफ बाइडन साहब आए तो उन्होंने पहला मंथ तो अपना जो ऑफिस में बिताया है वो चेंजिंग ट्रम्प्स की पॉलिसीज़ करने में बिताया है। जो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ पॉलिसीज़ थी जो काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो रही थी US के लिए अकॉर्डिंग टू द बाइडन साहब, लाइक WHO को लेकर जो उनका एक रुत था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लेकर उनका जो एक अपना टेक रहता था, ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में जो वो बातें करते थे, मुस्लिम बैन कर दिया था वीज़ा देने के लिए माइग्रेशन पॉलिसीज़ के अंदर, तो ये सारी चीज़ें बाइडन साहब ने जो है आते से ही ख़त्म करी हैं। इसके बाद देखो राइटर जो हैं वो बोलते हैं कि ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि बाइडन जी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी इंडिया को लेके, जैसे इंडिया को थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज में रखने वाली, उसको चेंज करेंगे। कारण क्या कि देखो जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने अपने एलाइंस को कॉल किया, अपने एलाइंस पार्टनर्स को कॉल किया था, डोनाल्ड ट्रंप नहीं बाइडन साहब जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने अपने एलाइंस पार्टनर्स को कॉल किया था, तो उन्होंने भैया इंडिया को भी कॉल किया आफ्टर इसराइल एंड आपके सऊदी अरेबिया के किंग सलमान, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी बातें US के डिफेंस सेक्रेटरी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं हमारे इनके बीच में भी हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ मतलब काफ़ी सारी बातें जो हैं समय पर चीज़ें जो हैं वो चलती रही हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखो और बोली जा रही है कि ऐसा नहीं है कि जो एक इंडिया और US हैं ये सिर्फ मतलब ऐसा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में पास में थे और अगर अभी हम चाइना से थोड़े से रिलेशन ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं तो वापस से हम US से अलग हो जाएंगे, नहीं। अब US को हमने काइंड ऑफ एक बहुत ही क्लोज टाइज बनाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो राइटर का यहाँ पे मानना है कि बाइडेन साहब के समय में भी वो चीज़ जो है वो आगे बढ़ने वाली हैं।
इसके बाद देखो राइटर जो हैं वो बताते हैं कि बाइडेन जी का जो एक अपना एक स्टैंस रहेगा वो क्वाड के लिए सेम रहेगा, क्वाड को फोकस करेंगे, क्वाड को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छे रिलेशन बिल्ड करेंगे, चारों कंट्रीज मिलके काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आपका क्या कहते हैं इसे, चाइना का जो डोमिनेंस है वो तो इस एरिया में बढ़ ही रहा है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्वाड की ज़रूरत तो रहेगी ही रहेगी, समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ें तो रहेंगी, इसमें कोई चेंज होने की बात नहीं है। इसके बाद राइटर जो है वो बोलते हैं कि देखो चाइना का जो अग्रेशन था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास जो 2020 में इंडिया और यूएस को पास लेके आया, चाइना के देखो क्या हुआ, जब बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चाइना के साथ हुआ उससे पहले हम लोग तो नैम की पॉलिसी अपनाते थे कि भैया हम तो किसी भी कंट्री के फेवर में नहीं बैठेंगे, हम जो है सबके साथ ठीक ठीक रिलेशन बना के चलेंगे। लेकिन चाइना ने जब ऐसा हमारे ऊपर मतलब हमला किया, ये जो चाइना ने हमारा विश्वासघात किया हमारे साथ, उसके बाद इंडिया ने जो है वो यूएस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इंडिया जो है वो यूएस के थोड़ा सा क्लोज चला गया। ऑल दो ये चीज़ रशिया को भी पसंद नहीं आई, रशिया भी हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर है और वहीं रशिया जो है वो चाइना के क्लोज जाके बैठा हुआ है, तो दोनों ही रशिया और इंडिया के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि भाई ठीक है अभी ज़रूरत है तो हमें यूएस के पास जाना है तो हमें चाइना के पास जाना है, तो वो चीज़ है। लेकिन इंडिया एंड रशिया के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं, ट्रेडिशनल रिलेशन है और काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये जो LAC पे हुआ था इसी के चलते हुए मालबार एक्सरसाइज को क्वाड में कराया गया था, वरना इससे पहले जो है वो क्वाड जो है वो मिलिट्रिकल एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन के रही थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि क्वाड कंट्रीज ने मालबार एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया था। और भारत पहले ये चीज़ अलाउ नहीं करता था, बट इस बार भारत ने भी इसको अलाउ किया है। क्यों किया था? क्योंकि भैया चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था बॉर्डर पे, और चाइना को हल्के में लेने की गलती अब भारत दोबारा नहीं कर सकता है। जब 1962 में वॉर हुए थे उस समय भी नेहरू जी जब हैं वो ये सोच के बैठे थे कि चाइना वॉर और नहीं करेगा, हमारा मित्र है, हमारा एलाई है, लेकिन चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर दिया था, तो ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद देखो राइटर जो है वो एक मुद्दा उठाते हैं कि एक जो पॉइंट रहेगा जो दोनों ही कंट्रियों के बीच में प्रॉब्लम का विषय फ्यूचर में हो सकता है वो है ह्यूमन राइट वायोलेशन। राइटर ऐसा कह रहे हैं कि भैया जो अभी प्रेजेंट भारतीय सरकार है वो ह्यूमन राइट वायोलेशन पे ज़्यादा बोलती नहीं है और काफ़ी जगहों पे ऐसे इंस्टेंस पे